सर मुबारक हो। किस बात की भाई साहब? सर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या किसी के घर टूटने की मुबारकबाद भारतीय जनता पार्टी को आप दे रहे हैं? ये शोभा दे रहा है आपको? सर मैं एडवांस में मुबारकबाद दे रहा था, क्योंकि आप तो बड़ी राजनीतिक दल हैं उधर, तो मुझे लगा कि शायद आप ही सरकार बनाएंगे इसमें, मैंने कहा एडवांस में मुबारकबाद दे दूं आपको। अगर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम लोग वहां धुनी रमाकर जो है शंख बजाने तो आए नहीं है, राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे, और अगर ऐसा मौका आता है, हमारे पास ऐसी संख्या होती है, तो हम जरूर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अश्वनी शाही जी, पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बात समझना चाह रहा था अश्वनी शाही जी कि जी, एक ऐसा देश जहां अभी भी लोग भूखे रहते हैं, कई रिपोर्ट सामने आती है, उसी देश में राजनेता हैं चार्टेड फ्लाइट, फरार विधायक, 5 सितारा होटल में ठहरते हैं, हैरानी नहीं होती आपको? ये 5 स्टार होटल का किराया देता कौन है? हाँ हमारी को, मैं स्पष्टता से कहता हूं, देखिए तिलक जी, कि कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की बात ही करता है, और अगर उनके पास से 46 MLA हमको मिल रहे हैं और हमारी उतनी 106 हम हैं, तो क्या बुराई है, हम सरकार बना सकते हैं। मैं इतना कहना चाह रहा था कि असम के होटल की बुकिंग 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई, हर दिन का किराया 6 लाख रुपए भी मैं मान लू 42 लाख रुपए हो जाता है, और सिर्फ 7 दिन का ही, सिर्फ 7 दिन का 42 लाख, ये वाकई में देश सेवा और एक जुनून है, जज्बा है, नौकरी है, ये पैसा देता कौन है होटल का, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जो विधायक फरार होते हैं, गुम हो जाते हैं, इन विधायकों का पैसा कौन पे करता है उन होटल्स में? बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल क्वेश्चन है। MLA जो है अब राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, चंडीगढ़ में खरीदते हैं, पैसा उन कौन दिया था उनको, किनको, कहां से आया था, किनको, चंडीगढ़ में जिसने कोठी खरीदी है, राज्यसभा सांसद है पहले, विधायक थे दिल्ली में। ये जो विधायक ठहरते हैं 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, ये पैसा कौन देता है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये कोठी खरीदने का पैसा कहाँ से आता है? नहीं, ये सवाल पूछा जाए, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये विधायकों को जो ले जाया जाता है चार्टर्ड प्लेन से, उसका खर्चा भी आता होगा, 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है उसका खर्चा भी आता होगा, उसका जो बिल पे किया जाता है, इतने मजबूत है कि अपना खर्चा उठा लेंगे, सारे विधायक इतने मजबूत है कि अपना खर्चा उठा लेंगे। आप जो है जो खुद सर विधायक पेंशन पर रहते हैं, वो कैसे अपना खर्चा उठा लेंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? जो डिफाल्टर्स हैं, मैं उस एक आंकड़ा देख रहा था, अब हो सकता है कितनी सच्चाई है कितनी झूठ वो चेक कर लेंगे, लेकिन जो डिफॉल्टर्स हैं, है ना, उनके 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 5% की कटौती कर दी जाती है, तब सरकारी पैसे की परवाह किसी को नहीं होती, अब पेंशन की बात आती है तो कहते हैं कि भैया रहने दो, है ना, जब हमारे कई माननीय सांसद जो पूर्व सांसद हो गए करोड़पति, आज भी पेंशन की सुविधा ले रहे हैं, तो बंद होनी चाहिए ना नेताओं की सारी सुविधाएं और पेंशन, एकदम बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। इनके, और यहाँ कांग्रेस के जो मंत्री हैं बीके सिंह जी, वो 40 साल की नौकरी करके 6 महीने की नौकरी के लिए 6 साल लड़े, और वो आज जो अग्निवीर है उनको ये बता रहे हैं नो रंग नो पेंशन बहुत अच्छा है, तो वो 6 महीने जो यूपी सरकार में लड़े थे। अश्वनी शाही जी, जवाब देने दीजिए ना, एक मिनट अश्वनी शाही जी, कि नहीं जी बंद होनी चाहिए ना सबकी पेंशन, एकदम बंद होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस राहुल गांधी सब चीज की मांग करते हैं, इसकी भी मांग करें। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 40 विधायकों को अगवा कर लिया गया, अब मेरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे 40 विधायकों को अगवा कर लिया, वो अगवा हुए या फिर भगवा हो गए? भगवा हो गए। हाँ हमारी को, मैं स्पष्टता से कहता हूँ, देखिए तिलक जी, कि कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की बात ही करता है, और अगर उनके पास से 46 MLA हमको मिल रहे हैं और हमारी उतनी 106 हम हैं, तो क्या बुराई है, हम सरकार बना सकते हैं। अटल जी का तो सब सम्मान करते हैं ना, हमारे आदरणीय एकदम करते हैं, सबके आदर्श हैं, है ना, आजाद शत्रु, सदन में बोलते थे तो पूरा का पूरा देश सुनता था, तो सदन के भीतर ही तो उन्होंने कहा था कि पार्टी तोड़कर सरकार बनाना, पार्टी तोड़कर सरकार बनानी पड़ी तो ऐसी सत्ता को चिमटे से छूऊंगा तक नहीं, अटल जी ने यही बात तो कही थी। सरकार का देखिए, राजनीति में आने के बाद बहुत सी चीजें बदल, ये लोग चाहते थे कि भाई अगर अटल जी के सिद्धांतों पर रहे, तो बार बार क्या कहते हैं दो लोगों की सरकार, अटल जी जैसे थे
एक सरकार अपनी गंवा दी उन्होंने एक वोट के तो लिए। अटल जी कोई आदर्शवाद राजनीति में नहीं नहीं एकदम हम आदर्श ऐसी सरकार आदर्श देख। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गांव से शहर भी बनता है। पहले की यही इच्छा है कि बैलगाड़ी पर हम चलते, आपकी यही इच्छा है कि कांग्रेस। एक नाथ का नाथ कौन लगता है आपको, कौन है एक नाथ का नाथ? सबका नाथ ऊपर वाला है, कोई नाथ तो नहीं, सबका नाथ ऊपर वाला है। अच्छा सबका मालिक एक, एक सबका मालिक एक है। हाँ सबका मालिक एक है तो जी बिल्कुल सही कहा आपने अश्वनी जी, सबका मालिक। अगर आप मालिक ही बदल दे रहे हैं तो अगर ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा हो तो बताइए, हर व्यक्ति उसी के आगे सर झुकाता है। सबका मालिक एक, आपने बिल्कुल सही कहा।